नमस्ते। कैसे हैं? कैसे हैं आप? बढ़िया। कैसे हैं? ठीक हूँ। अच्छा। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। वेलकम टू सिक्स ऑर्डर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप सभी के दर्शकों को और आपको मेरा तहे दिल से नमस्कार और पवित्र महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और शिव सागर जो आप कह रहे हैं, महादेव के नाम की नगरी है, महादेव की नगरी है, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है। सौभाग्य है मेरा कि इस पावन अवसर पे यहाँ आने का मौका मिला। और एक बात बताना चाहूंगी, नॉर्थ ईस्ट मेरा काफी फेवरेट है और मेरे दिल के काफी करीब है, तो यहाँ पे जब भी परफॉर्म करने का मौका मिलता है तो काफी अच्छा लगता है। पहले भी आए? जी पहले मैं आई थी, पहले मैं गुवाहाटी आई थी और इस बार अपर असम, पहले लोअर असम आई थी, इस बार अपर असम में परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। तो मैं यही कहूंगी कि जो प्यार और आशीर्वाद आपने दिया, यही प्यार और आशीर्वाद हमेशा बरकरार रहे। एब्सोल्युटली आई एम एक्साइटेड। वो हमेशा मेरा ये रहा है कि जो भी परफॉर्मेंस होती है या किसी भी प्रोग्राम में परफॉर्म करने वाली होती हूँ, तो वो एक्साइटमेंट होती है वहाँ के ऑडियंस से मिलने की। और वहाँ की ऑडियंस हमेशा, ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं गया जहाँ पे ऑडियंस रिस्पॉन्सिव नहीं रही है, तो काफी अच्छा लगता है जब ऑडियंस हमारे साथ झूमती है और ऑडियंस अपना एनर्जी हमें दिखाती है। ये तो आप सभी के लिए सरप्राइज है और आप सभी को इन्वाइट करना चाहूंगी, शाम को आइए और परफॉर्मेंस एंजॉय करिए। सबसे पहले तो आप सभी के दर्शकों को और आपको मेरा तहे दिल से नमस्कार और पवित्र महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और शिव सागर जो आप कह रहे हैं, महादेव के नाम की नगरी है, महादेव की नगरी है, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है। सौभाग्य है मेरा कि इस पावन अवसर पे यहाँ आने का मौका मिला। और एक बात बताना चाहूंगी, नॉर्थ ईस्ट मेरा काफी फेवरेट है और मेरे दिल के काफी करीब है, तो यहाँ पे जब भी परफॉर्म करने का मौका मिलता है तो काफी अच्छा लगता है। पहले भी आए? जी पहले मैं आई थी, पहले मैं गुवाहाटी आई थी और इस बार अपर असम, पहले लोअर असम आई थी, इस बार अपर असम में परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। तो मैं यही कहूंगी कि जो प्यार और आशीर्वाद आपने दिया, यही प्यार और आशीर्वाद हमेशा बरकरार रहे। एब्सोल्युटली आई एम एक्साइटेड। वो हमेशा मेरा ये रहा है कि जो भी परफॉर्मेंस होती है या किसी भी प्रोग्राम में परफॉर्म करने वाली होती हूँ, तो वो एक्साइटमेंट होती है वहाँ के ऑडियंस से मिलने की। और वहाँ की ऑडियंस हमेशा, ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं गया जहाँ पे ऑडियंस रिस्पॉन्सिव नहीं रही है, तो काफी अच्छा लगता है जब ऑडियंस हमारे साथ झूमती है और ऑडियंस अपना एनर्जी हमें दिखाती है। ये तो आप सभी के लिए सरप्राइज है और आप सभी को इनवाइट करना चाहूंगी, शाम को आइए और परफॉर्मेंस एंजॉय करिए।